Hello, welcome to the session number 4 of MS Word 2007. In this session, we are going to cover these topics that are changing font type, changing font size, color, highlighting them, then styles and effect, how we can change them, then creating list, then paragraph and their alignment, then adding paragraph borders and shading. Now, changing line spacing, changing spacing between paragraphs and the format Painter option, then setting the tab stops, then adjusting and removing the tab stop, then left and right indentation, and then hanging and first line indents. सबसे पहले changing font type. Font हमारा जो होता है, जो भी लिखी रहती है text, उसको हम font बोलते हैं. और उसको change करने के लिए हमें text को select करना होता है, या फिर हम cursor को वहाँ रखते हैं, जहाँ पे हम change करना चाहते हैं. या just we are starting from the first, fresh start from the line. Then right click the selection and choose font option. Dialog box open हो जाएगा जिसके अंदर वो font मांगेगा कि किस type का font apply करना चाहते हैं. जैसे आप उसमें आप select करेंगे, okay press करने पे वो apply कर देगा. Font size change करना हो तो कैसे करेंगे आप? Select the text, then उसको जिसको भी आप select change करना चाहते हैं, select करने के बाद right click कीजिए उस पर selection पे और then choose font option. उसके बाद भी एक dialog box open होगा जिसके अंदर आप size को देख के चेक कर सकते हैं और यू कैन जस्ट प्रेस ओके एंड देन इट विल बी चेंज. चेंजिंग फॉन्ट कलर एंड हाईलाइटिंग टेक्स्ट. फॉन्ट कलर और टेक्स्ट को हाईलाइट करना भी बहुत आसान होता है. आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को जिसको भी आप चेंज करना चाहते हैं, देन राइट क्लिक द सेलेक्शन एंड चूज फॉन्ट ऑप्शन. इन द सेम वे वो भी ओपन करेगा एक डायलॉग बॉक्स को जिसमें आप कलर को अप्लाई करना चाहते हैं. यू जस्ट सेलेक्ट द फॉन्ट कलर ऑप्शन एंड देन प्रेस ओके. इट विल बी अप्लाई टू द सेलेक्टेड वर्जन ऑफ द टेक्स्ट. Now, changing font styles and effects. But before that, we are going to cover the color, the styles that we have already covered up in our session. Now, just we do practical of that. Have a new document to be opened. New file हमने open की. Again, हमने इसमें कोई text लिखी, random word से, followed by the equal to sign. अब मैं चाहता हूँ किसी text का size या color change करना. मैंने इसे select किया. Select करने के बाद या तो मैं right click करूँगा तो फॉन्ट ऑप्शन आएगा. इस पर क्लिक करने से मेरे पास हेडिंग फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं. ये बोल्ड इटैलिक आर द फॉन्ट स्टाइल्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रीव्यू रहता है और दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द टेक्स्ट. डिफॉल्ट अगर आप करना चाहते हैं, दीज आर द डिफॉल्ट. डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि देट आर फ्री फ्रॉम द फॉल्ट. फैक्ट्री सेटिंग होती है जैसे मोबाइल के अंदर, वैसे इसमें भी सेटिंग होती है डिफॉल्ट्स पे. अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है तो आप करोगे नहीं. अगर आपने कर दी तो उस केस में आपको अगर चाहते हो कि पहले वाली सेटिंग मुझे